लेकिन ये बहुत एक्टिव है, इतना इसका प्रॉब्लम है फिर भी ये सबको हंसाता है और खुद भी हंसते रहता है। और ये इसको देखकर मेरे को बहुत इतना 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 क्या हुआ था, गुड फील होता है कि एक मोटिवेशन है ना। हम इससे हारना चाहेंगे, ठीक है? हाँ, तो नहीं, ऐसे कोई सपोर्ट करता ही नहीं इनको, तो कैसे आप कैसे हारेंगे। हारेंगे हम इससे हारना चाहेंगे। अगर कोई गिफ्टर्स यहाँ बैठे हैं तो हम चाहेंगे कि हमें हरा दें। तो ठीक है, एक लास्ट गेम करते एक हैं, ठीक मैच है। लगाते हैं, आपके ऑन योर आपके लक। बात कौन कौन मानते हैं देखते हैं हम। हाँ, मेरे पास अगर कोई आप बैठे, बोल सबको दीजिए। सबको लाइव शेयर कर दें, सबको लाइव शेयर कर दें। और हम जो है ना, आपका नाम क्या है? रत्न, रत्न रत्ना तमंग, हाँ, रत्न तमंग, रत्न, रत्ना। ओके रत्ना, रत्न। हम चाहेंगे कि जो है ना, जो भी बैठे हैं हम उनको लाइव शेयर कर देते हैं, जो भी बैठे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमें हरा दें, हम खुशी खुशी हरना चाहते हैं आपसे, ठीक है? नहीं, और ऐसे बड़े सीधे स्कोर आप से हार हरना गए, चाहते हैं। ऐसे कैसे हुआ ये, तो एक गेम हो गया गाइस। थैंक यू सो मच। ऐसा मैम ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम हारेंगे, इसलिए मैं जीत गया हूँ। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया सब जाना, धीरे धन्यवाद। मैच में हमारा जिसका स्कोर ज्यादा होता है वो बोल पाएंगे, हिंदी मेरा थोड़ा अच्छा नहीं है, सबको शुक्रिया। इसलिए हम लोग चार लोग इधर बैठे हैं, आप लोग किसका वॉइस सुनना चाहेंगे उसको सपोर्ट कर सकता है। इधर में हमारा गलबंदी सर है, इधर में ड्रीम जी है, ऐसा मैम तो अभी पहले से बोल रहा था, इसलिए अभी ऐसा मैम ने बोल दिया है कि हम इससे हारना चाहेंगे, इसलिए सपोर्ट करने के लिए सबको इधर भेज दिया। सब लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच बोलना चाहेंगे। इस पर की बन जाए हिंदी में फिर ए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चाहिए थी हम किस बात में खेल रहे हैं, इसमें जिसको स्कोर बड़ी हो जाए मात्र बोलना बहुत अच्छा। आज मेरा स्कोर बड़ी हुआ ने मैं बोल रहा हूं, ऐसे तो आप पूरा ही 64 में हो गए, सब लोग इधर भेज दिया। तो गाइज आप किस किसको सपोर्ट करना चाहेंगे कर सकता है। इधर में ड्रीम है, उधर में गलबंदी सर है, उधर में बोलते कि उधर बोलता है क्या बोलते हैं, जस्ट रामलिंग थैंक यू सो मच, सोनम थैंक यू सो मच, एवरीवन सब निश्चित थैंक यू सो मच, टसी थैंक यू सो मच, थिरिंग बाल थैंक यू सो मच, गाइज थैंक यू सो मच एवरीवन, एटिकरा थैंक यू सो मच, हरी जी जति हम किप क्वाइट म्याच खेलिरहेका थियौँ र आइसा म्यामले चाहिँ यतापट्टि मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो। लाइक शेयर कर दो, सबको लाइक शेयर कर दो, सबको लाइक शेयर कर दो, लाइक शेयर कर दो सब। वेलकम मरवान, मरवान आप रत्ना को आप जितवाइए, रत्ना को, रत्ना को, रत्ना को, रत्ना को प्ले कीजिए, रत्ना को प्ले कीजिए, रत्ना को प्ले कीजिए, रत्ना को। मैं म्यूट हूँ, आप रत्ना को प्ले कीजिए। मिठू हम चुप हैं, मिठू को बोलो, मिठू 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 चुप हैं हम। वेलकम बैक मरवान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू मरवान, थैंक यू सो मच, उस थैंक यू सो मच। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, यतिखेर हामी किप क्वाइट म्याच खेलिरहेका थियौँ। अब
उहाँसँग नसकिने रहेछ, उहाँले चाहिँ अब मैले हुडिङ गर्नु सबैजनाले सपोर्ट गर्नु के अरे स्कोर बढाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ के उठाउनु भएको भनेर सोध्नु भएको थियो। मेरो हातको अब के भन्ने अब त्यो चिम्टावाला भुख्यान हो, त्यही भएर उहाँले चाहिँ यता गएर सपोर्ट गरिदिनु भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैजनालाई, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवन। सो गाइस यतिखेर हामी किप क्वाइट म्याच खेलिरहेका थियौँ। अब के किप क्वाइट, अब एकछिनमा बोल्नुहुन्छ सबैजना, अब बोल सक्ते सब लोग। थैंक यू सो मच मरवान, थैंक यू सो मच, आपने रत्ना को प्ले किया, बहुत शुक्रिया। और जिसने सपोर्ट किया सबका बहुत शुक्रिया कि सबने हमारी बात मानी जी, आपने बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, जिसने प्ले किया आपने तो आपने बोल लिया, सब लोग इधर आके सपोर्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैंने वो ऐसे ऐसे हाथ उठाए थे क्योंकि मैं बोला था स्कोर बढ़ा दीजिए, हम लोग इधर गेमिंग में हूँ, ऐसे क्या उठा रहा है, ऐसे लग रहा है ये मेरा आर्टिफिशियल हो गया नहीं, ये कि पुराना मॉडल का है नहीं, क्योंकि ये पहले जब टेक्नोलॉजी यूज नहीं था उस टाइम में बनाया और मॉडल बोल रहा था। ये अभी अभी है ना, ये इंडिया में जाके दिल्ली में जाके वो पहले पुराना हो चुका था, काम नहीं कर रहा था, ये तो ये नहीं लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा गया है जाके, और इनका हाथ नहीं है, ये एक्सीडेंट में। मैं कहना चाहूंगी जो लोग बैठे हैं यहाँ सुन रहे हैं या जो लोग बाद में अगर रिकॉर्ड वीडियो किसी ने लगाई जो मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि आप सब लोग जो है ना रत्ना की हेल्प किया कीजिए, इनकी लाइव पे आया कीजिए, और दिल से जो है ना दिल से ये आपको दुआएं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना इतना सपोर्ट किया। नहीं है, मरवान ने मेरे कहने पे इनको प्रे किया और सब लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे कहने पे प्रे किया सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और उन सब के लिए आप रेड हार्ट भेजिए। ओके, थैंक यू सो मच, आपको भी इतना इतना प्यार देने के लिए जी, जितना भी इधर आए अभी सपोर्ट किया सब लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इधर में आके सपोर्ट किया जब आयशा मैम ने कहने पर आप लोग, क्योंकि हम लोग तो इतना क्या बोलता है इतना नज़दीक का पहचान का तो नहीं, फिर भी इधर में टिकटॉक में भेंट हो गया, क्या बोलता है भेंट हो गई, क्या बोलते मिल गया, मिल गया, मिल गया ये थोड़ा थोड़ा मिक्सअप करके बातचीत कर रहे नेपाली मिल गया, तो सपोर्ट किया बहुत बहुत शुक्रिया सब लोग को, क्योंकि मैं इतना अच्छा कंटेंट का वीडियो तो नहीं होता, फिर भी मेरा ऐसे कुकिंग का थोड़ा थोड़ा कुकिंग का वीडियो डालता हूँ यूट्यूब में टिकटॉक में। हाँ ये जो है ना ये फिर ये खाना इतना अच्छा बना लेते हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं। हाँ इनका वीडियो भी है, इनका यूट्यूब चैनल है, और ये मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, ठीक है आप भी मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं आपकी वीडियो भी देखूंगी के भाई ले, आपकी हिम्मत है, आपकी हिम्मत है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ भी होते हैं फिर भी कुछ नहीं कर सकते, तो आपकी हिम्मत है कि आप ये आपके हाथ नहीं है फिर भी आप इतनी हिम्मत कर रहे हैं। डॉक्टर अलिया को आमा बन भाई ना, अलिया को आप अलिया डॉक्टर अलिया क्या मम्मी, मैं जब मैं हॉस्पिटल से निकला था उस टाइम में, मैं हॉस्पिटल से निकला था मेरे पास सब कुछ उपचार करके पैसे सब खत्म हो गया था, फिर भी क्या सोच के निकला है, क्योंकि अभी तो सब कुछ खत्म हो गया है, अभी क्या करूँगा बाहर जाके, पता नहीं क्या होगा जिंदगी, अब कैसे आगे बढ़ेगा कुछ पता नहीं था, फिर भी स्ट्रगल करते 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 मैं वीडियो भी डालता था, इतना डालने के भी नहीं आता था मुझे, टिकटॉक का अकाउंट खोल लिया, खोल के भी 6-7 वर्ष हो गया था, बाहर आके वीडियो डाल के तो ऐसे देखा के वीडियो डालेगा तो कोई तू पसंद तो नहीं करेगा, तो मैं क्या कंटेंट लेके आएगा बोल के ऐसे मैं सोच रहा था। बाद में मैं 4-5 वर्ष में कुकिंग काम किया था इंडिया में, मुंबई में किया, मुंबई में उसके बाद गोवा के नज़दीक में उधर में कुकिंग काम किया था, मेरे कुकिंग का काम आता था, तो फिर मैंने सोचा मैं कुकिंग का काम कुकिंग का वीडियो डालूँगा थोड़ा थोड़ा, उसके बाद सब लोग ने पसंद करते करते इतना प्यार दिया। आप YouTube चैनल भी बनाइए ना, YouTube चैनल बनाया पहले से, YouTube में शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, 1 मिनट का। ओके ओके, आपकी बहुत हिम्मत है, आप मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं जो आपको कहूँ,
कि हम लोग इतने लेजी हो जाते हैं, हम सब कुछ बिल्कुल हेल्दी होते हुए भी, और आप आई सैल्यूट यू, थैंक यू सो मच, आपको भी सबको भी एकदम बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बोल सकते हैं ना, ठीक है बराबर बोल लेते हैं, आपका स्कोर भी ज्यादा, लेकिन फिर भी हम लोग बोल रहे हैं, I'm sorry। कोई बात नहीं, बोलते बात होगी। नहीं आज मिल गया, बातचीत हो गया, कोई मुश्किल नहीं, बोल लीजिए, क्योंकि सपोर्ट भी कर लिया आप लोग ने, ऐसे जिंदगी अब बने देखो ना, जो है ना जीना, जब तक जिंदगी है जीना तो पड़ता है, रो के जीने से बेहतर है बंदा खुश खुश जिए, जो भी है सब सब जो है ना ये नसीब की बात है, लेकिन खुशी से जीना चाहिए जो भी है। अब रो रो के भी तो, घुट घुट के भी तो जीना है ना, तो खुशी खुशी, ये इतना इनका जो है ना तकलीफ है, इतना ये प्रॉब्लम है, फिर भी हम लोगों को इतना हंसाता है ये गेम के वक्त, ये है ना इतना फनी है, और इनको देखकर जो अपना मेरा जो भी अपना है ना, ये भी ये जो सिस्टर का भी ये टेंशन है ना, सब हम लोगों का टेंशन दूर हो जाता है इनका देखकर। ओके, मैं आपके साथ ज्वाइन हुआ करूंगी, ठीक है, और मैं अब कह रही हूँ कि जब भी मैं आपके साथ ज्वाइन हूँ तो मैं चाहूंगी कि मैं हारा करूँ आपसे, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया आपको, ठीक है। नहीं नहीं, मैच में मत हारिए, थैंक यू सो मच, पहले बार ये समझा नहीं इसलिए शुक्रिया बोला, फिर बाद में समझा के नहीं 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 यार, कोई बात नहीं, मैं दिल से कह रही हूँ कि जब भी मैं आपके साथ खेलूँ तो बाकी सब भी हारा करें, सिर्फ आप जीता करें, मेरे दिल से भी ख्वाहिश है ये। नहीं नहीं, मैच में कभी आप जीत दीजिए, कभी आप जीतेंगे। नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं जीतना चाहूंगी, आप ऑलरेडी जीते हुए हैं, मैं आपसे नहीं जीतना चाहूंगी, लेकिन पहले मुझे नहीं पता था ना, तो थैंक यू मरवान, थैंक यू सो मच मरवान, मैं इससे नहीं जीतना चाहती। नहीं नहीं, जीत लीजिए, जीत गया अभी मैं। और ये है ना, ये ऐसा बंदा है कि ये किसी को दिखाना दिखावा करना नहीं जानता, ये है ना, जैसे आपको पता नहीं चला कि ये कैसा है, मुझे नहीं पता चला था। नहीं कि अगर कोई और होता तो दिखावा कर लेता, हाथ ऐसे ऐसे करके दिखाई लेता, लेकिन हर वक्त वो छुपा लेता है अपना जो दर्द है ना, जो अपना प्रॉब्लम है ना, किसी को दिखा, अगर कोई अनजान बस ऐसे देख लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे बातचीत करते वो बात निकल गया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो कभी ये जो है ना, ये अपना ये प्रॉब्लम किसी को सुनाता भी नहीं है और ये बोलता भी नहीं है, ये इसका ये बड़प्पन बोले या इसका ये प्रॉब्लम बोले, लेकिन ये किसी को बताता नहीं है प्रॉब्लम अपना, ये अपने उसमें बिंदास रहता है। ये पहले से मैं जब ये एक्सीडेंट होने के बाद जब ट्रीटमेंट खलास हो गया, उसके बाद मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं जो काम करते जाऊंगा, मैं जब वीडियो बनाते जाऊंगा, जो समझेगा मेरे लिए क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, सपोर्ट। हाँ जी, आलिया सिस्टर है ना, वो भी आए हुए सपोर्ट किया, वो दिखाई नहीं दिया, बोले किधर पर है, वहीं पे, इसको थैंक यू सिस्टर को भी थैंक यू बोल लीजिए, बोल रहे थैंक यू सो मच। तो इसलिए ऐसे ऐसे चलते चलते इधर तक आ रहा हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा, अब इसकी अल्लाह बेहतर करेगा, आप ऐसे हिम्मत ना हारिएगा, आप ऐसे ही रहे, दिल को बड़ा करके जिए, और ये किसी इंसान के बस की बात तो नहीं है ना, नहीं। तो ये किसी इंसान ने भी नहीं किया आपके साथ, तो ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ही आपको हिम्मत देंगे और आप जो है ना इंशाल्लाह अच्छी लाइफ जियेंगे। बहुत अच्छी दुआ इनको लगी, क्योंकि आपने आगे भी इतना क्या बन जाए हिंदी में आशीर्वाद क्या बन जाए, दुआ से कोई लड़की तो नहीं याद आ गई। हाँ, ये मैं ये बात बताना चाह रहा था, अब इनका जो है ना, ये
अब ये तो इनका ये बड़ा अब ये विश है कि इनके शादी हो जाए। हम भी चाहते हैं इनके जल्दी से कोई ऐसा है कि इनको समझ ले जो लड़की है ना, इनका जो जो प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व समझ ले तो लाइफ में साथ साथ जिए। ऐसा ही लड़की चाहिए, ढूंढ ही रही है कोई ऐसी लड़की हो जो इसका बाजू बन जाए, जो इसे करेक्ट बोला, करेक्ट बोला। क्योंकि मेरा तो दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, अल्लाह करेगा आपकी लाइफ में कोई अच्छी लड़की आएगी जो आपका साथ देगी, आपकी बाजू बनेगी और आपकी हिम्मत बनेगी, मेरी दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अगर कोई ऐसी लड़की सुन रही है तो इससे रत्ना से रब्ता कर सकती है। कोई कोई है, एक से ऊपर वाला भी इतना कोई है, ऊपर वाला भी इतना पत्थर पत्थर दिल तो नहीं है ना कि सबका कोई ना कोई तो बनाया है, इनका भी इनके इनके लिए कोई ना कोई बनाया है। आपके लिए भी आपकी भी जोड़ी बनी हुई होगी, अल्लाह ने ऊपर जोड़ियां पहले से बना रखी होती हैं, ये हम तो कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपके लिए जोड़ी बनी हुई होगी। वही 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 सोच के अब तक अभी 38 क्रॉस हो रहा है, 40 लग रहा है, वही सोच के वही कोई बात नहीं, बंदे कभी बूढ़े नहीं होते, कोई बात नहीं। वही सोच रहा हूँ, लेकिन सुबह उठने तकलीफ हो रहा है, अभी हाथ दर्द होता है, पैर दर्द होता है, क्या करूँ। अल्लाह बेहतर करेगा, सब अल्लाह बेहतर करेगा। अपनी जो है ना डाइट का ख्याल करें, इस उम्र में ज्यादा डाइट चाहिए होती है। ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आज इतना रत्न के लिए आपने इतना दुआ दिया, इतना नहीं मैंने नहीं किया, ये लोगों का प्यार है, जो लोगों का प्यार है और जिन्होंने भी किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने भी किया। सुरेश लामा संग जॉइन, एंड स्पेशल थैंक्स फॉर लेट्स ट्राई ड्रीम के लिए, ड्रीम ने कनेक्ट किया। ड्रीम तो ड्रीम तो पनिशमेंट में बैठी है, ड्रीम अभी तक नहीं बोल रही है, अभी तक बीच में क्या बोलूं, बोल के नहीं तो मुझे बात करना आता है, बट बात बीच-बीच में मिल गए आप, इसके लिए लड़की ढूंढिए ना, हम इसी इसी होते थे नहीं इस उम्र में तो हो जानी चाहिए ना। आपके आपके वहाँ पे अगर कोई हो तो इनको दामाद बना लीजिए, कोई हो तो हमारे पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में एक ऐसी मिसाल है, एक लड़की है, उस वो जिस लड़के को पसंद करती थी ना, उसको करंट लगा था और उसके ना हाथ है ना पाँव, उसके कट गए, लगे हाथ कट हुए, मेरे भैया के भी हाथ करंट लग के कट हुए। अच्छा, तो उस लड़की ने फिर उसी से शादी की है और उसी के साथ जी रही है, उसी के साथ रह रही है, उस मतलब खानदान से अलग होके उन्होंने कहा कि नहीं इसके साथ ना हाथ है ना पाँव है, तुम इसके साथ कैसे रहोगे। उस लड़की ने उससे शादी की हुई है और वो उसके साथ रह रही है, उसको कमा के खुद उसको खिला रही है। से इधर भी हमारा भी ऐसा ऐसा कहानी है हो रहे हैं अभी। हमारी पहले की कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ना, उसको बुलाओ ना। वो बहुत छोड़ के चली गई, वो थोड़ी चल गई नहीं, वो गई एक्सीडेंट हो गया, तो एक लड़की आदमी वो घबराए होगी, क्या करूँ कैसे करूँ, हड़बड़ा होगी, वो गई वो गई, मुश्किल नहीं। नहीं देखो ना, देखो मेरी बात सुनो, अगर वो आपको पसंद करती थी तो आपके साथ ऐसा जान के तो नहीं हुआ ना, अल्लाह की तरफ से हुआ है। प्यार किया तो अगर तो... किसी हेल्दी बंदे को भी वो सिलेक्ट करके उससे करे तो उसको ऐसा हो जाए तो फिर क्या करेंगे, सोचना चाहिए था उसको। पता नहीं चल गए, अब मैं हॉस्पिटल में लड़ रहा हूँ, वो गई तो क्या करे, मैं ढूंढने जाऊँ या मैं उपचार करूँ, ऐसे परिस्थिति था तो क्या करूँ, जैसे परिस्थिति वैसे भोगना पड़ा। अब मैं खुद इधर से सलाम बैंड डाला था, मैं इधर ये तो लास्ट ऑप्शन है ना, इधर से डालता था, इधर से सलाम बैंड करके सो रहा हूँ, तो अब क्या। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके घर में कौन कौन है, होता है ना वही होता है।
घर में नसीब में जो लिखा होता है वही होता है, बिल्कुल ऐसे। घर में तो मेरा ये पापा नहीं है, पापा हम लोग 22-23 साल का था उस टाइम में, उस टाइम में गुजर गए। और मम्मी है, भाई भैया गांव में है, और एक एक बहन इंडिया में है, ऐसे इधर उधर। अल्लाह मियां आपको ऐसे हिम्मत दें और आप ऐसे जी खुश रहें और ऐसे ही हमसे जीते रहें और अपनी लाइफ को आप कंटिन्यू करें हिम्मत के साथ, जो है ना। हम सब लोग भी, मैं जो नेपाल के हैं या पाकिस्तान के जो भी लोग हैं जो मेरी तरफ ज्वाइन हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप से जितने भी हेल्प हो सके इस रचना की आप हेल्प करें उसको, अगर ये हाथ नए लगवाने हैं तो उसके लिए आप सब लोग मिल के इसकी हेल्प करें। तो पैसे बहुत, मतलब हम लोग कितना खर्च कर लेते हैं, ऐसी जगह भी खर्च करते हैं जहाँ हमें ज़रूरत भी नहीं होती, ऐसी जगह भी हम खर्च कर लेते हैं। तो रत्ना को अगर आप हेल्प करेंगे तो ये तो इसके लिए तो बहुत कुछ होगा। शुक्रिया आपको इनके लिए इतनी बात बता दी, यही आपके लिए बड़प्पन ने, थैंक यू सो मच। ठीक है, हम फिर बार बार मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज्वाइन हुआ करेंगे फिर नई गेम के साथ, ये जो है ना ये नई गेम बना के आएंगे, ड्रीम लोग नई गेम बना के आएंगे। दूसरे बोलने वाला ये गेम में जिसका जिसका बड़ा नंबर स्कोर होता है वो बोल लेते, आप दूसरी गेम में जिसका कम नंबर है वो बोल लेते, ये सब गेम लेकर आना चाहिए आप, क्योंकि आपसे तो स्कोर से हम बोल नहीं पाएंगे। नहीं, मेरा हर वक्त ऐसे स्कोर नहीं होता, मेरा हर वक्त ऐसे नहीं होता स्कोर। पिछली दफा मैं हारी नहीं थी आप लोगों से, मैं ड्रीम से भी हारी हूँ। तो आज का दिन हमारे लिए आंटी कब तभी पहले शुरू में आप वो भी आपने बोला था साओ सपना को जिताओ ड्रीम को जिताओ, तब जाके मैंने जीता था, मुझे याद है। लेकिन ये मेरे को एक बहुत बहुत ये है ना शौक लगा कि आपने एक बात बोल दी है तो सबसे फटक से इतना जो ऐसा होता है ना जो आक्रमण करते हैं ना, जो रामायण महाभारत में तो सेना लोग जाते हैं ना वहाँ पे, वैसे ही इतना सब लोग आए कि धराधर रत्न के पास इतना स्कोर बढ़ा लिया है कि आपने तो कमान कर दिया, ऑर्डर कर दिया, चलो जाओ उसको खत्म कर दो, तो आपने इसे ऑर्डर किया जैसे वैसे चलो जाओ। ये लोगों का प्यार है, ये लोगों का प्यार है कि वो मेरे कहने पे वो आए हैं, लोगों का प्यार है। तो मैं ये चाहूंगी कि मेरे कहने के बिना भी आप लोग जाया करें। हमारा तो यार एक भी बंदा नहीं, जाओ उधर पर टैप टैप करो तो बोलते नहीं जाऊंगा। तूने क्या कि हमको तनख्वाह दिखा रखा है, ठीक है मत जाओ। वही मैं सोचता था क्योंकि आपको उधर में इतना टैप टैप एक ही साथ में 200-300 होता था, सब लोग इधर आके पूरा आपको इतना हमारा तो कोई बात मानता ही नहीं, बोलता तूने के मेरे को सैलरी दे कर रखा है क्या, तेरे का टैप टैप करूं नहीं जाऊंगा बोल। नहीं अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत पॉजिटिव और अच्छे लोग हैं, ये तो पता चल रहा है। हमारा नेपाली भी बड़े दिल का है लेकिन वो अपने ही एटीट्यूड में रहते हैं। क्या करे टुडे सुरेश लामासंग ज्वाइन, हाँ उनके साथ भी आप ज्वाइन हो, कभी मेरा मैच उनके साथ लगा तो फिर मैं आपको जो है ना साथ। आपसे तो इतना भारी पड़ गया, अब सुरेश से या फिर आलिया से किस किस के साथ? नहीं सबके साथ ज्वाइन करेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात। सुरेश तो हमारे हमारे देश का वो है ना, हमारे कंट्री का शान है, बहुत बड़े मैं उसका भी फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। जब ये टिकटॉक में नहीं आए थे तभी किसी को पता भी नहीं था, तो इनका गाने बहुत सुपर हिट थे लेकिन ये सुरेश हिट नहीं था, तब उसी वक्त से मैं इनका फैन रहता था। अभी तो सब लोगों ने टिकटॉक से जाना पहचाना ये सुरेश लामा है। मैं आपकी बात करती हूँ, मैं अक्सर लाइव बैठती हूँ तो मेरे साथ जो न्यू सिंगर है ना मेरे साथ ज्वाइन होते हैं, आप यकीन करो उनकी इतनी अच्छी प्यारी आवाज है लेकिन सपोर्ट नहीं होती, उनको कोई जानता नहीं होता उनकी। इधर नेपाल में तो सबकी ऐसे है कि सब लोग सिंगर ही पैदा हुए हैं, बहुत अच्छी आवाज है ज्यादातर सबका।
लेकिन वो है कि मार्केट थोड़ा थोड़ा बोले ज़्यादा ही स्मॉल मार्केट है, यहाँ पे छोटा मार्केट है ना, इसीलिए अब इतना टैलेंटेड पर्सन लोग है, प्लेटफॉर्म कम है यहाँ पे दिखाने के लिए, तो इसीलिए टिकटॉक में इतना इतना धुरंधर इतना टैलेंटेड सिंगर है, लगता है कि वो गाते हैं ना जैसे कि स्टूडियो में गाए हुए फाइनल गाने होते हैं ना, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये सुरेश ने जो किया है ना, ये सबके लिए ये वो मोटिवेट भी है, मोटिवेशन भी मिला गया और हाँ, सब लोग नहीं, आ गए उसने हाँ ऐसा उसने बहुत करना मेहनत चाहिए। किया, उसने बहुत हाँ मेहनत किया है, वो जीरो से ऊपर हाँ आया। और उसी को देखकर यहाँ जो लोग है ना, जो लड़के लोग जो लड़की लोग भी आए हुए, तो वो जो पहले तो हिचकिचाते थे कि टिकटॉक में आना चाहिए एक्टिंग क्यों आऊँ, लोग क्या कहेंगे या लोग क्या बोलेंगे, जब सुरेश ने किया तो बोल रहे यार हाँ ये तो करना ही चाहिए यार, इसने किया हम भी करेंगे, और सब लोग आ रहे हैं और सब लोग कर भी रहे हैं। हाँ तो सुरेश को तो मैं पहले से जानता था, वो तो जब मूवी में इतना इतना अच्छा अच्छा गाना गाया था और वो रियलिटी श्यामल शो में सर भी वो वेलकम, पार्टिसिपेट हुए थे, तब दैट यू वेलकम। से मैं जानता था उनको। अभी लोग तो टिकटॉक से बहुत लोग जान गए हैं। और मैं मेरा ये ख्याल है कि जो नए लोग आते हैं ना उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, हाँ लेकिन उनको भी सबका थोड़ा नसीब सुरेश करीब, जैसा नहीं होता है। उनको भी करेज होना चाहिए कि लोग उनको सपोर्ट करें। तो मेरे साथ जो बैठते थे तो मैं लोगों को कहती थी कि इनको फॉलो भी करें और इनको इनके चैनल को भी जो है ना सब्सक्राइब करें। तो मैं जब तक बैठती थी तो मैं लोगों को कहती रहती थी कि मतलब कितने अब हो गए इनके फॉलोअर, मुझे बताओ आप कितने हो गए, कितने मतलब लाइक्स बढ़ गए। तो मुझे ये अच्छा लगता था कि वो जो नए लोग हैं उनको भी सब लोग जो है ना उनको मेरा एक फॉलो। दिल की बात है, मेरा एक दिल की बात कहना चाहता हूँ, अगर सुरेश अकेले ही ये करता भी ना, तो जो आज वो मुकाम में जो मुकाम में पहुंचे हैं वो नहीं पहुंचे। आलिया है ना, आलिया वो आलिया हाँ, एक दूसरे की जाट सपोर्ट बेटी है से, ना, एक दूसरे की सपोर्ट से लोगों वो ने एंजल की उनको तरह एंजल की तरह आ गया क्या उनके लाइफ हाँ, में, बस ये दोनों नसीब होता है ना, किसी किसी के एक नसीब के किसी के साथ जुड़ने से किसी की किसी का भला हो जाता है। तो उसका उसकी वजह से और उसका उसकी वजह, दोनों एक दूसरे की वजह से जो है ना। मेरे कॉल आ गया, मैं एक रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है। हेलो ओके 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 हाँ हजुर हजुर भाई, टैप टैप सब लोग, टैप टैप सब लोग, टैप टैप करो सब लोग।